कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में मंगलवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में मामूली कमी दिखी, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2.56 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान 1757 से अधिक लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। इसी के साथ भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना की भयावह तस्वीर के मद्देनजर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कैबिनेट की बैठक में राज्य में कड़े लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि फिलहाल लगाई गई बंदिशों के बहुत अच्छे परिणाम दिखने को नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के नतीजों पर गौर करने के बाद ही राज्य में इस तरह का फैसला लिया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए सोमवार रात को कलंबोली से देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस खाली 60 टैंकर लेकर विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को परिवहन मंत्री अनिल परब ने हरी झंडी दिखाई। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन भरकर टैंक वापस तलो जाएंगे। यदि पहला राउंड सफल रहा तो आने वाले दिनों में इस तरह देश के विभिन्न हिस्सों जैसे बेल्लारी और झारखंड के जमशेदपुर से भी ऑक्सीजन लाया जाएगा। कोरोना से यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का निधन हो गया है। मिश्र लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि वो कैंसर से भी पीड़ित थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई है और 28,287 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख MM नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी और DRDO प्रमुख से कहा है कि वे डिफेंस, कैट और DRDO के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधा मुहैया कराएं। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा कि भारत में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी को भारत की यात्रा करने से बचना चाहिए। भतीजे तन्मय फडणवीस के कोरोना वैक्सीन लगवाने की फोटो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तन्मय की उम्र सिर्फ 21-22 साल बताई जा रही है, जबकि 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने अस्पताल, दवाई, वेंटिलेटर की मांग उठाई तो मोदी सरकार ने PM केयर फंड से हजारों करोड़ की धनराशि इकट्ठा करवाई। जब फर्जी वेंटिलेटर देख लोगों ने कहा कि हिसाब दो तो RTI कानून से ही PM केयर फंड को छूट करवाई। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिया है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी। राज्य सरकार उक्त 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। कोरोना वायरस महामारी की जंग लड़ रहे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 50 लाख के बीमा कवर को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि 50 लाख रुपए वाली बीमा योजना के खत्म होने की तारीख 24 अप्रैल है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उनको नया बीमा कवर दिलाने के लिए फिलहाल नई बीमा कंपनी से बात की जा रही है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत,
बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।